नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मुकाबला T20 मुकाबला खेला जा रहा है। और क्या मुकाबला है दोस्तों, जहां भारत के युवा बल्लेबाज और गेंदबाज अपना कहर बरपा रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों कि इस T20 मुकाबले में 4 नए खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ है, यानी 4 नए खिलाड़ी अपना भारत के लिए पहला T20 मुकाबला खेल रहे हैं। और वो 4 खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, चेतन सकारिया, देवदत्त पडिकल और नीतीश राणा। और ये हुआ क्योंकि 8 खिलाड़ियों को यहाँ पे आइसोलेट में डाला गया है, भारतीय खिलाड़ियों को। अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका के कप्तान सनाका ने टॉस जीतकर यहाँ पे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आए, और क्या शानदार दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप की दोस्तों। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 49 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। पहले विकेट के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, जो आउट होने से पहले 18 बॉल में 1 चौके की मदद से 21 रन बनाए अपने डेब्यू T20 मैच में। अगर आज के मैच की बात करें तो बल्लेबाज केवल 5 ही खेल रहे हैं दोस्तों, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके की युवा बल्लेबाजी यहाँ पर हो पाती है। देवदत्त पडिकल, शिखर धवन एक अनुभवी इनके साथ हैं। देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन और नीतीश राणा धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो क्या दूसरे T20 मुकाबले में वो लगा पाएंगे चौके और छक्कों की बरसात। और ठीक वैसा ही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। बात करें देवदत्त पडिकल की, नीतीश राणा की और संजू सैमसन की, तो तीनों धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं शिखर धवन एंकर की भूमिका निभाते हुए बेहद धीमी पारी खेल रहे हैं।